दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय अमेरिकन पिस्ताशियो। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। आज के शो की शुरुआत 100 साल पुरानी भारत की एक घटना से करते हैं। 1919 का साल, एक बरस पहले ही पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। आजादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका में महात्मा गांधी आ चुके थे। तब भारत के सुन्नी मुस्लिम नेताओं ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे महात्मा गांधी का भी समर्थन था। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब इस आंदोलन के बड़े नेता थे। खिलाफत आंदोलन की बैठकों में महात्मा गांधी भी शामिल होते थे, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर वो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देंगे तो कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। हालांकि खिलाफत आंदोलन का भारत की आज़ादी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। तो फिर क्यों हो रहा था खिलाफत आंदोलन? भारत के मुस्लिम तुर्की में राजशाही की बहाली के लिए आंदोलन चला रहे थे। उस वक्त की तुर्की के मायनों में राजशाही को खिलाफत कहते हैं, जिसका प्रमुख होता था खलीफा, और तब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की खिलाफत में था। हालांकि वहां का बड़ा तबका खिलाफत के विरोध में संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम शासन का हार्डलैंड माना जाता था और धार्मिक एकजुटता के नाम पर भारत के मुसलमान खिलाफत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो ऑटोमन की खिलाफत पर खतरा क्यों आ गया था? इसकी असली वजह पहला वर्ल्ड वॉर और उसमें ब्रिटेन की जीत थी, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य उससे पहले ही कमज़ोर पड़ गया था। राजा के खिलाफ बगावत हो गई थी, मिलिट्री लीडर्स ने मिलकर अलग पार्टी बना ली थी जिन्हें यंग टर्क्स कहा जाता है। जी, ये शब्द यहीं से आया जो आप भारतीय राजनीति के संदर्भ में खूब सुनते हैं, युवा तुर्क, यंग टर्क्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी के साथ अलायंस किया, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने तुर्की पर हमला किया। तुर्की युद्ध में हार गया। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने खिलाफत खत्म करके तुर्की को रिपब्लिक बनाने की कवायद शुरू की और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ। हालांकि 1923 में 600 साल की ऑटोमन खिलाफत को खत्म कर दिया गया, तुर्की को एक सेकुलर रिपब्लिक बना दिया गया। फील्ड मार्शल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तब से लेकर अब तक एक सेकुलर और रिपब्लिक तुर्की ने खूब तरक्की की, ये यूरोपीय देशों के मुकाबले में खड़ा दिखा। लेकिन फिर एक शासक आया और तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य के रूप में स्थापित करने के सपने देखने लगा, खुद को उस ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा बताने लगा। और ये खलीफा सिर्फ तुर्की का नहीं, पूरे मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा हो, इस तरह का प्रोजेक्शन होने लगा। इस कोशिश में कभी हागिया सोफिया जैसे सैकड़ों साल पुराने म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश शुरू हुई, तो कभी इस्लामिक एकजुटता के नाम पर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की परस्ती हुई। और अब तुर्की के इसी राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने समंदर में भी पुराना ऑटोमन साम्राज्य हासिल करने के लिए युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। नया झगड़ा तुर्की और ग्रीस के बीच है। सीधे सीधे झगड़ा इन दो देशों में है, लेकिन दोनों के पीछे कई देश दोनों के पीछे लामबंद है। तनाव इतना बढ़ गया है कि फ्रांस ने ग्रीस के समर्थन में अपने राफेल जंगी जहाज़ों का बेड़ा ग्रीस के आइलैंड पर तैनात कर दिया। खबरें हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी युद्ध अभ्यास के बहाने लड़ाकू विमान ग्रीस के आइलैंड पर भेजे हैं, जो एक तरह से ग्रीस को मजबूती देने की कोशिश है। लेकिन ये हालात हुए क्यों? ग्रीस और तुर्की में किस बात का झगड़ा है? वजह आपको इस नक्शे से बेहतर समझ आएगी। एक तरफ तुर्की, दूसरी तरफ ग्रीस, बीच में मेडिटेरेनियन सी, हिंदी वाले इसे भूमध्य सागर कहते हैं। इस मेडिटेरेनियन सी में दबदबे को लेकर ही दोनों देशों के बीच झगड़ा चल रहा है। और दबदबा क्यों चाहिए? क्योंकि समंदर में गैस के भंडार हैं, और झगड़ा इस बात का है कि कौन सा देश कहाँ तक जाकर गैस निकाल सकता है। वैसे तुर्की और ग्रीस में दुश्मनी का इतिहास पुराना है, लेकिन फिलहाल का झगड़ा जुलाई से शुरू हुआ। जुलाई में तुर्की ने मेडिटेरेनियन समंदर में एक नेवल अलर्ट जारी किया जिसका नाम था नेवटेक्स। नेवटेक्स अलर्ट में तुर्की ने कहा कि वो अपना रिसर्च शिप ड्रिलिंग सर्वे के लिए ग्रीस के आइलैंड कास्टेलोरिजो के पास भेज रहा है। मेडिटेरेनियन समंदर में ग्रीस के कई छोटे छोटे आइलैंड हैं
जो मेनलैंड तुर्की के करीब पड़ते हैं। कॉस्टेलोर्ज़ो आइलैंड भी तुर्की के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से करीब 200 किलोमीटर दूर है। तुर्की के सर्वे वाले अलर्ट के बाद ग्रीस की सेना चौकन्नी हो गई कि कहीं तुर्की उसकी समंदरी सीमाओं में दाखिल तो नहीं हो रहा। तुर्की के गैस की रिसर्च वाले जहाज जब समंदर में निकलते हैं तो उनके चारों तरफ वॉरशिप भी होते हैं। ऐसे में ग्रीस ने अपने इलाके की हिफाजत के लिए वॉरशिप से पेट्रोलिंग शुरू कर दी और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। ग्रीस के कई छोटे आइलैंड तुर्की के आसपास हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जब ग्रीस ने कहा कि तुर्की के जहाज उसकी समंदरी इलाके में दाखिल नहीं हो सकते तो तुर्की ने जवाब दिया कि ग्रीस के जो आइलैंड तुर्की के नज़दीक हैं उनकी समुद्री सीमाएं मान्य नहीं होंगी। तुर्की की बयानबाजी और धौंस यहीं नहीं रुकी। पिछले हफ्ते तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम उन नक्शों को फाड़ रहे हैं जो हमें सिर्फ ज़मीनी भूभाग में लॉक रखने के लिए बनाए गए। ज़ाहिर है कि तुर्की ये कहना चाहता है कि वो ग्रीस की पुरानी समुद्री सीमाओं के दावे को नहीं मानेगा। और पेच सिर्फ इतना नहीं है, नवंबर 2019 में भी तुर्की ने लीबिया के साथ एक करार साइन किया था। इसके तहत तुर्की के दक्षिणी किनारे तट से लीबिया के उत्तरी तट तक एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। इसे नक्शे से समझिए, इस पूरे इलाके में दोनों देश मिलकर गैस निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसके जवाब में 6 अगस्त को ग्रीस और इजिप्ट ने एक करार साइन कर अपना इकोनॉमिक जोन बना लिया। ये दोनों इकोनॉमिक जोन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए ये मामला और उलझ गया। यानी तनाव जुलाई का है पर इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है। और क्या चल रहा है? बयानबाजी और सेनाओं की तैनाती दोनों बढ़ गए हैं। ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, यानी अमरीका के सहयोगी। तो होना तो ये चाहिए था कि अमरीका दोनों में सुलह कराने के लिए आगे आता, लेकिन अमरीका की तरफ से महज एक औपचारिकता के तौर पर बयान जारी किया गया कि दोनों देश बातचीत के जरिए मसले का हल निकालें। तो अमरीका ने तो हाथ झाड़ लिया। क्या कोई और बीच बचाव कर रहा है? जी, जर्मनी कर रहा है। 25 अगस्त को जर्मनी ने अपने विदेश मंत्री हैको मास को ग्रीस और तुर्की भेजा ताकि सुलह कराई जा सके। हालांकि अभी दोनों देश नरम नहीं पड़े हैं और लग रहा है कि झगड़ा लंबा खिंच सकता है। ऊपरी तौर पर देखने से यह झगड़ा सिर्फ गैस निकालने को लेकर या समुद्री सीमाओं को लेकर लगता है, लेकिन टिप्पणीकार लिख रहे हैं कि असल में लड़ाई की वजह कुछ और है, तुर्की की आक्रामकता और ऑटोमन साम्राज्य के पुनरुत्थान वाले अर्दुगान के मंसूबों की वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ है। मावी वतन या ब्लू होमलैंड नाम से तुर्की ने अपना मिशन शुरू किया है, जिसके तहत ये अपनी समंदरी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। कभी गैस एक्सप्लोरेशन के बहाने दूर तक समंदर में जा रहा है, कभी किसी और बहाने, और इसीलिए टकराव हो रहे हैं। टकराव की वजह यह भी है कि अमरीका का इस खित्ते में असर कम हो गया है, या फिर यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अमरीका की नीति तुर्की को लेकर कमजोर है। अमरीका और तुर्की का टकराव पहले भी कई बार देखने को मिला। सीरिया में अमरीकी नीति को तुर्की का साथ नहीं मिला। अमरीका के बजाय अब तुर्की का झुकाव रूस की तरफ है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 लड़ाकू जहाज तुर्की को देने का इरादा जो उन्होंने पहले किया था उसको बदलते हैं ताकि तुर्की दबाव में आए, लेकिन तुर्की उसने रूस से सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद ली और इसके बाद भी दबाव को लेकर अमरीका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। ग्रीस के अलावा तुर्की का झगड़ा अपने साथी मुस्लिम देशों से भी चल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तुर्की ने लीबिया में प्रॉक्सी वॉर लड़ा। लीबिया के सिविल वॉर में तुर्की ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड यानी GNA सरकार का समर्थन किया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे तुर्की के विरोधी देश जनरल खलीफा हफ्तार के गुट का समर्थन कर रहे थे। तुर्की ने बाकायदा लीबियन सरकार को हथियारों की मदद भी दी और तख्ता पलट होने से बचाया। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देश एक पाले में हैं और तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश दूसरे पाले में। कुल मिलाकर तुर्की मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में नए समीकरण बना रहा है। अपने इरादों को विस्तार देने की कवायद में राष्ट्रपति अर्दोगान नए टकराव मोड़ ले रहे हैं और ग्रीस के साथ टकराव युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का 4 दिन का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। इसमें ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने भी भाषण दिया और उसकी खूब चर्चा हुई, क्योंकि पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से किसी ने कोरोना के मरीजों और आंकड़ों की बात की। इससे पहले ट्रंप समेत बाकी नेता विपक्षी पार्टी पर कोरोना की राजनीति का आरोप लगा रहे थे। ट्रंप की पत्नी ने अश्वेत नस्ली भेदभाव इस पर भी बात की और कहा कि इसकी आड़ में हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कॉज कमज़ोर होता है। दूसरी सुर्खी अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस की जातियों से जुड़ी है, क्योंकि एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विस्कॉन्सिन प्रांत में जैकब ब्लेक नाम के एक शख्स को रविवार को पुलिस ने कथित रूप से गोली मारी, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए जो मंगलवार रात को हिंसक हो गए। इस दौरान किसी ने फायरिंग भी की जिसमें 2 लोगों की मौत हुई जबकि 1 जख्मी हुआ। और भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
तीसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान की मशहूर एक्टर डायरेक्टर सबा सहर को हमलावरों ने गोली मार दी, वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को जब राजधानी काबुल में अपने घर से वो कार में बाहर निकली तो हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। सबा सहर महिला अधिकारों को लेकर लगातार बोलती रही हैं, इसलिए कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है। कमिश्नर अमानुल्ला पासिंग द रेनबो जैसे टीवी शो की वो निदेशक रही। ये दो अलग अलग हैं, कमिश्नर अमानुल्ला अलग और पासिंग द रेनबो अलग टीवी शो है। अब शो के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तारीख, आज तारीख है 26 अगस्त और आज ही के दिन साल 1910 में मैसेडोनिया के स्कोपियो में एक लड़की का जन्म हुआ था। घर वालों ने नाम रखा एग्नेस और यही लड़की आगे चलकर मदर टेरेसा बनी, जिन्हें मानवता की मिसाल कहा जाता है। एक अल्बेनियाई परिवार की सबसे छोटी लड़की एग्नेस के मदर टेरेसा बनने के पीछे एक लंबी कहानी है। महज 18 साल की उम्र में एग्नेस अपना घर बार छोड़कर मैसेडोनिया से आयरलैंड आई। यहाँ सिस्टर्स ऑफ लॉरेट नाम की संस्था से जुड़कर अंग्रेजी भाषा की तालीम हासिल की। अगले बरस यानी कि 1929 में वो कलकत्ता आ गई और यहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। फिर 1943 के अकाल और 1946 में कलकत्ता की सड़कों पर हुए दंगा पीड़ितों की जी जान से मदद करने लगी और इसने मदर टेरेसा को स्कूल के टीचर से एक अलग पहचान दी। उन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ दी और फिर नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर बीमारों की सेवा में लग गई। 7 अक्टूबर 1950 के दिन उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था शुरू की। यहाँ अनाथ बच्चों और गरीब बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी। उनकी संस्था से लोग जुड़ने लगे और मदर टेरेसा गरीब और बीमार लोगों के मसीहा के तौर पर चर्चित हो गए। उनके काम के लिए उन्हें भारत रत्न और नोबल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा। कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाती थी। कई लोग उनको मिलने वाले डोनेशंस के सही इस्तेमाल न होने की बात भी करते हैं। जो भी हो, लेकिन आज भी उनसे प्रेरित होकर न जाने कितने ही लोग सेवा के काम में जुटे हैं और ये अकेली वजह उनको महान बनाने के लिए काफ़ी है। आज के शो में इतना ही। आज शो में तुर्की से शुरुआत की थी, अंत भी तुर्की से करते हैं। एक महान तुर्की कवि नाज़िम हिकमत की कविता अखरोट का पेड़, इसका अनुवाद किया है प्रकाश के रे ने, सुनिए। मैं गुलखाना बाग में अखरोट का एक पेड़ हूँ, गांठों और दागों वाला एक पुराना अखरोट का पेड़। तुम ये नहीं जानते और पुलिस को भी इस बात का पता नहीं। मैं गुलखाना बाग में अखरोट का एक पेड़ हूँ, मेरी पत्तियाँ चमकती हैं पानी में मछली की तरह, मेरी पत्तियाँ लहराती हैं रेशमी रुमाल की तरह। एक तोड़ लो मेरे प्रिय और अपने आंसू पोंछ लो, मेरी पत्तियाँ मेरे हाथ हैं, मेरे पास लाख हाथ हैं। इस्तांबुल मैं तुम्हें छूता हूँ लाख हाथों से, मेरी पत्तियाँ मेरी आँखें हैं और जो मैं देख रहा हूँ उससे क्षुब्ध हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ इस्तांबुल लाखों आँखों से और मेरी पत्तियाँ धड़कती हैं लाखों दिलों के साथ धड़कती हैं। मैं गुलखाना बाग में अखरोट का एक पेड़ हूँ, तुम ये नहीं जानते और पुलिस को भी इस बात का पता नहीं। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।
हाँ।